हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 19 एनर्जी में आपका स्वागत है। आपका भाई सचिन यादव दिल से वेलकम करता है। तो भाई साहब, आज हो गई है आपकी 21 अक्टूबर, और घर जाने की इतनी खुशी है कि दिन काउंट कर रहे हैं कि कब दीपावली का दिन आए। और बाकी ये तो अपना ड्रेस सेटअप हो गया है, चलते हैं। आज थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम है, जो कि हमारे दीक्षारंभ का आज शायद आखिरी दिन होगा, जिसमें कि थोड़े कल्चरल प्रोग्राम यानी डांस, सॉन्ग, जोक, चुटकुल्ले आदि जो बच्चों से सुनेंगे स्टेज पर बुलाकर, शायद कुछ इस तरीके से प्रोग्राम हो। बाकी चलते हैं फटाफट, ड्रेस वेस रेडी हो गए हैं, नहाकर बिल्कुल गर्म पानी से अपना डेली का क्लोथ, जो कि प्राइमरी होती है कि उसको दिल्ली का डेली धोते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अच्छे बच्चों की तरह। तो भाई साहब, कल्चर प्रोग्राम में तो डांस वांस तो नहीं होगा, पर ये है कि वहाँ पे मोटिवेशनल वाला स्पीकर आएंगे और कुछ योगा वगैरह टाइप, कोई ना जो होगा सो होगा, चलो देखते हैं। बाकी फूल खिले हैं सुबह। भाई साहब निकल गए हैं कॉलेज के लिए, जो कि पीछे अपने भाई हैं कि आगे हैं, और मस्त माहौल है। सुबह सुबह अगर थोड़ा ठंडी ठंडी लेते हवाएं, थोड़ी धूप, चलते चलते हैं। तो भाई सब धान कट गई है, इधर जो सारे बच्चे लगाए थे धान, बाकी मस्त। तो भाई साहब, प्रशासनिक भवन से गांधी हाल की ओर जाते हुए। तो भाई साहब, ये रहा गांधी हॉल और ये इसकी पार्किंग। इसमें कल्चरल इवेंट होगा, जो कि हम लोग को अभी कुछ देर में जाना है। बाकी भाई का फोटो शूट हो रहा है। इस हॉल लगभग 100 फुट लंबा होगा, बाकी हम सारे लोग इधर भीड़ लगा के एकदम अच्छे से हॉल की नज़ारा देख रहे हैं, कब गेट खुलेगा, कब अंदर जाएंगे। यो भाई साहब, स्टेज देख लो, बाकी अंदर की कुछ सीटें। तो भाई साहब बैठे बैठे हो गए हैं, और प्रोग्राम स्टार्ट होने का नाम ही नहीं है। बाकी सब कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वाले हैं, और उधर प्रोफेसर सब परेशान हैं। ये देखो अपना स्टेज है, जिस पे कुछ प्रोग्राम हो सकता है, पर जो लाइट मैन है वो है ही नहीं, और प्रोफेसर सारे परेशान हैं। ऊपर देखो ऐसे कुछ फेंसिंग है, पंखे ऐसे लटके हैं, बल्ब है, और एक स्टेज है। आप अपना विजन कैसे बनाएंगे, आपके लाइफ का मिशन क्या होगा, आप किस तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप कैसे सक्सेस होंगे, आप एग्जामिनेशन कैसे देंगे, आप बॉडी माइंड एंड सोल क्या चीज है, स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है, इस तरीके से कुछ कोर्सेज थे जिनके बारे में हम लोग ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स में वो भाई साहब हार्टफुलनेस संस्था है, जो कि मेडिटेशन के लिए जाने जाती है, और वो हमें स्पीच दे रही है। जो नोट्स करना है परसों पहले, जो मैं भी आपके दिमाग के ये बात हमेशा रहती है, जब पास हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कॉम्पिटिशन दूंगा, किस फील्ड में जाए, किस ऑप्शन। भाई साहब छुट्टी हो गई, हार्ट फुलने, चलो बताएंगे। तो भाई साहब शॉर्टकट, तो भाई साहब खाओ का दोपहर का लंच यानी दाल रोटी सब्जी, आज खाना थोड़ा अच्छा लगा हमने खाए, और अभी दोबारा जाना है, जो कि लेक्चर होगा 2:30 बजे से, अभी 2 बज रहे हैं, कि कोई मोटिवेशनल टाइप होगा तो उसे अटेंड करना है, और हम सुबह से ही आए हैं, फिर गांधी हॉल में जाना है। तो भाई साहब दोबारा 2:30 बजे वाली लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, जो कि 2:40 तो यहीं पर हो गई लगभग, कोई ना पहुँचने वाले बस। बाकी ये प्रसार निदेशालय, यहाँ पे कोई भी चीज़ होता है तो उसे ग्राउंड लेवल पे करने वाला विभाग। तो भाई साहब स्पीकर हमारी मैम, सर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो भाई साहब 2:30 बजे वाली क्लास की स्टार्टिंग हो चुकी है, पाँच साल में 10 साल एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन होगा।
है, जिनकी एमएनसी काम कर रही है, इंडिया कंपनी काम कर रही है, उन्हें देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट वो लोग लेके आ रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आ रहे हैं। इसमें स्ट्रीम बायो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायो टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदलने वाला है। न्यूट्रिएंट में तो सब कुछ बदल जाएगा। उस प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया में काम करने वाली फिनलैंड अकेली कंपनी। भाई साहब सारी क्लासेस कर अब सीधे हॉस्टल पे जाने की तैयारी हो गई है। भाई साहब कैसा लगा डांस आपको किसान मेले का? हमने आपके लिए रखा था। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।